सबको जय मसीह की। 12 मई में बैंड्रा ग्राउंड में प्रार्थना सभा होने के लिए जा रही है। परमेश्वर उस प्रार्थना सभा में आप बहुत सारे लोगों को आशीष देगा। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग इस मीटिंग में आएंगे उनके बंधन टूटेंगे। अगर आज आप कर्जे में, बीमारी में, समस्या में, किसी भी परेशानी, मैं कह रहा हूँ कि बंधन टूट जाएंगे, कैसा भी बंधन हो। प्रॉफिट जी ने पेशेंट रूम वालों के लिए दी एक सामर्थ भरी प्रार्थना। मैं उस पेशेंट रूम वालों के लिए वहाँ करता हूँ। क्या प्रॉब्लम है बेटे तेरे को? रीढ़ की हड्डी में गैप है। रीढ़ की हड्डी में गैप है और नसें घुस गई हड्डी में। इस बहन ने बताया कि डॉक्टर ने कहा है आपको पैरालाइज होने का खतरा है। पैरालाइज सिस्टम हो जाएगी, मतलब अगर आपका ऑपरेशन करेंगे रीढ़ की हड्डी का तो पैरालाइज हो सकता है। किसको जानते हो आप ऐसे नाम को? इसे सोनिया और रीना। रीना मेरी माँ है। रो पड़ी ये बहन भविष्यवाणी को सुनकर। प्रॉफिट जी ने प्रार्थना करने के लिए बुलाया बेड पेशेंट को अपने पास। ये कितने टाइम से प्रॉब्लम है? 6 साल से। कोई और आया आपके साथ? हाँ। कौन है? मेरी माँ। विश्वास कर, बेस्ट आत्मा काम करेगा आदि यीशु मसीह के नाम में। प्रॉफिट जी के हाथ रखते ही इस बहन को छू लिया प्रभु ने। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इसकी हड्डियाँ अब से, इसके जॉइंट परमेश्वर खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। टांग उठा, शाबाश। हालेलुया। प्रॉफिट जी के छूते ही इस बहन ने अपनी चंगाई को महसूस किया। हाँ, अभी देखो दूसरी टांग उठा। ग्लोरी टू जीसस। देखो रो पड़ी ये बहन अपनी चंगाई को देखकर। भूल जा तुझे दर्द था, भूल जा तेरी हड्डियां काम नहीं कर रही, भूल जा तू 6 साल से बेड पर है, भूल जा तू चल नहीं पा रही। उठो, जो काम नहीं कर सकते करके देखो। शाबाश, उठो अपने आप। हाँ हाँ, शाबाश। वाओ, अमेजिंग हीलिंग। प्रॉफिट जी के प्रार्थना करते ही ये बहन अपने बिस्तर से उठ खड़ी हुई। हाँ हाँ, शाबाश। सारा नहीं लेना किसी का ना, शाबाश। हालेलुया। इस बहन को उठता देख प्रॉफिट जी हुए हैरान। हालेलुया। वाओ, चंगाई को महसूस करते ही इस बहन ने अपनी बेल्ट को खाड़ फेंका। वाओ, अमेजिंग हीलिंग। और जब मैं इसके सिर पे हाथ रख रहा था, इसके पैर ऐसे कर रहे थे टक टक, मुझे आवाज आ रही थी हड्डियों की टक टक टक, और ये डर डर के चल रही थी कि नहीं है? और देखा आपने अभी मिराकल हो गया कि नहीं? थैंक यू जीसस। चंगाई मिलते ही इस बहन ने किया प्रभु का धन्यवाद। आप देख सकते हैं आफ्टर बिफोर कि ये बहन पहले कैसे चलती थी और अब कैसे दौड़ रही है, प्रभु की महिमा कर रही है। आप भी आ सकते हैं 12 मई को मुंबई मीटिंग में। दुनिया के हर कोने से लोग वहां पर आ रहे हैं, परमेश्वर उनको ब्लेस करे। कोई फीस नहीं है, एंट्री फीस कोई नहीं है, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मीटिंग में कोई स्पेशल स्पॉन्सर हमारे लिए कर रहा है,
हम उसके लिए अलग से एक इंतजाम करेंगे। पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। तो उन स्पॉन्सर वाले लोगों के लिए मैं खास दुआ भी करूँगा, जो लोग मेरे से मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या कोई स्पेशल प्रार्थना कराना चाहते हैं, वो लोग हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रेयर लाइन नंबर आप नीचे देख रहे हैं और ये भी जो नंबर है इससे आपको कॉल आएगी और आपके लिए दुआएं की जाएंगी। आप इस मीटिंग में खाली हाथ नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने ये प्रार्थनाएं की है कि परमेश्वर वहां पर पवित्र आत्मा आपके स्वर्गदूत मंडलाएं, आपकी प्रेजेंस हो और लोग देखें कि सच में, और जाने के बाद गवाहियां दें परमेश्वर ने बंधन तोड़ दिए। मैं आप खुद कहेंगे कि सच में हमने ऐसी मीटिंग कभी अटेंड नहीं की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मिलेंगे 12 मई बैंड्रा में।